गुड मॉर्निंग। वैसे तो मुझे लाइव आना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट मैं लाइव अपने फ्रेंड के लिए आई हूँ, महेश पांडे के लिए। मुझे सच में नहीं पता था कि उसके साथ ये सब कुछ हुआ है। मुझे हाय नीरज सर, मैं अपने फ्रेंड के लिए ही लाइव आई हूँ, मैं इस पांडे के लिए। मुझे नहीं पता था कि उसके साथ ये सब कुछ हुआ है। मेरी एक बात समझ नहीं आती, क्या इंसान का इतना अच्छा होना भी गलत है? वो इंसान बहुत नेक दिल है और बहुत अच्छा इंसान है। गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छा इंसान है महेश पांडे। मैं ठीक हूँ। मेरी और उसकी दोस्ती को 7 साल हो गए और मैं राजस्थान से हूँ, वो बिहार से है। वो रहते दिल्ली है, बट मेरी और उनकी दोस्ती हुई थी फ्रेंड फेसबुक पे। तब से मैं उस बंदे को जानती हूँ। जिस तरह की न्यूज़ लोग गलत उनके लिए फैला रहे हैं, बोल रहे हैं कि वो किसी एक्ट्रेस के साथ होटल में थे, कुछ ऐसे ही कि इंस्टाग्राम पे बात हुई थी, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब लोगों की साजिश है उसके खिलाफ। मैं रो नहीं रही हूँ, एक्चुअली मैं कुछ बात बता रही हूँ। मेरे फ्रेंड के साथ गलत हुआ है, उसके लिए मैं बोल रही हूँ यहाँ पे आके। वो इंसान इतना नेक है, वो हर इंसान की हेल्प करता है, और इसी चीज़ की का गलत फ़ायदा उठाया कुछ लोगों ने। हितेश सिंह, गुड मॉर्निंग। वो इतना अच्छा इंसान है, जब मेरे साथ मेरी फैमिली भी सपोर्ट में नहीं थी, तब महेश पांडे ने मुझे इमोशनली सपोर्ट दिया था, और उस जैसा इंसान शायद इस दुनिया में नहीं है। 7 साल की फ्रेंडशिप है हमारी। मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हुआ है। कल एक उनके जो फॉलोवर्स है, उनके फैन सर्किल में से एक बंदे ने मुझे कमेंट किया था कि आपके फ्रेंड के साथ ऐसा कुछ हो चुका है और आपको पता भी नहीं है। मुझे सच में नहीं पता था। जब मैंने देखा तो मैंने उसे कॉल भी किया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। क्या उसकी ये गलती है कि वो खेसारी लाल यादव को सपोर्ट करता है? सबकी अपनी अपनी पसंद है, वो खेसारी लाल यादव को पसंद करता है, सबकी अपनी पसंद है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप किसी भी इंसान के साथ गलत करोगे, कोई किसी को सपोर्ट करता है। घर में भी माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं। भाई बाप को सपोर्ट करेगा या माँ को सपोर्ट करेगा, तो क्या आप अपने बहन भाइयों के साथ भी ऐसा करोगे? पवन सिंह के सपोर्ट में वो नहीं बोलता तो नहीं बोलता, उसकी इच्छा है। आप लोगों ने इस तरह की साजिश क्यों रची? एक अकेले इंसान को, वो भी मतलब इतना नेक दिल इंसान है, वो हर किसी की मदद करने के लिए निकल पड़ता है। मेरी उसने हमेशा मदद की है और मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, हालांकि कभी मिली नहीं हूँ। पर एक बात बताओ, 7 दिन की फ्रेंडशिप में वो इंसान इतने गलत कदम उठा लेगा? उसके सामने पता नहीं, मैंने तो सुना है, अभी मैंने क्लियर देखा भी नहीं है क्या बात है क्या नहीं है। बता रहे हैं कि किसी एक्ट्रेस ने उनको बुलाया कि मैं होटल में हूँ, आप आ जाओ। तो एक बात बताइए, जो वो चीज़ें रखी गई थी, शराब वगैरह और जो भी प्राइवेट चीज़ थी, मैं नाम नहीं ले सकती एक्चुअली, बट वो चीज़ें कोई भी इंसान अपनी इच्छा से ले जा सकता है, और वो भी किसी एक्ट्रेस से मिलने के लिए। मतलब कैसे सोच सकते हैं हम ऐसा? कल्याणी सिंह जी भी एक एक्टर ही है ना, वो भी उनकी अच्छी फ्रेंड है, वो भी उनसे मिलने गई है, क्या उनके साथ भी उन्होंने गलत किया था? नहीं किया ना। फिर क्यों हम, हमारी सोच ऐसी बना रखी है हमने? इंसान को बिल्कुल सपोर्ट, ऐसे लोगों को तो है ना, सच में
बीच सड़क पे खड़े करके ना जूतों की माला बनानी चाहिए, जो ऐसे गलत तरीके से गलत साजिश रच रच के एक अच्छे इंसान, एक गरीब परिवार का लड़का जो अभी YouTube पे फेमस होने लगा है, उसको नीचा दिखाने के लिए इतनी गंदी हरकतें कर रहे हैं। सिर्फ खेसारी लाल यादव के सपोर्ट में वो वीडियोस बनाता है इसलिए क्यों? गलती उसकी भी है, कोई खेसारी लाल यादव भगवान नहीं है, ना पवन सिंह भगवान है, ना कोई एक्ट्रेस भगवान है। क्यों हम उनको इतना सपोर्ट करते हैं, जबकि वो लोग अगर आज इसके साथ कुछ हो जाता ना, खेसारी लाल यादव कुछ करते, ना पवन सिंह जी कुछ करते, कोई कुछ नहीं कर पाता। बस इसका दिल अच्छा है, ये बंदा नेक है, तो इसका गलत फायदा उठाओगे आप लोग। मेरी एक बात समझ नहीं आती, वो एक्ट्रेस भी कैसी है, मतलब उसने रियल लाइफ और रियल लाइफ को एक तराजू में तोल दिया। उसे पैसे मतलब एक फिल्म शूटिंग करने के लिए मिलता है, ना कि रियल में किसी फीलिंग्स के साथ खेलने के लिए। क्यों करते हैं हम ऐसा, एक लड़की होके ऐसा काम कर रहे हो, 15 लोगों को ला के अकेले इंसान के साथ ऐसा गलत करवा रहे हो, उसको ड्रिंक करवा रहे हो, ये अच्छी बात है? मुझे नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था एक्चुअली, मैं रात को ही पता चला है। मैं कुछ और सोच बैठी थी जब उस मतलब उन भैया ने, जो यादव बॉय है, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि आपके फ्रेंड्स के साथ इतना कुछ हो चुका है और आपको पता नहीं है, आपने वीडियो नहीं बनाई। तो एक्चुअली मैं किसी के लिए वीडियो नहीं बनाती, पर मैं अपने फ्रेंड के लिए बना रही हूँ, मैं लाइव इसीलिए आई हूँ। मुझे कोई फेमस नहीं होना, और मुझे ना तो किसी एक्ट्रेस में इंटरेस्ट है, ना किसी एक्टर में इंटरेस्ट है। एक्चुअली हम नॉर्मल इंसान है, वैसे वो भी नॉर्मल इंसान है, उनको मिलने के लिए लोग तरसते हैं। बेचारे गरीबों को देखो ना, उनको देखने के लिए तुम हजारों करोड़ों रुपए बर्बाद करते हो, गरीब लोगों के ऊपर खर्च कर दिया करो इतने से। क्यों किया ऐसा उसके साथ, उसकी अच्छाई का क्यों गलत फायदा उठाया? वो इंसान इतना अच्छा है, उसके साथ इतना गलत क्यों किया? उसको ड्रिंक करवाई है, उसके कपड़े उतारे गए हैं, 15 लोगों ने मिलकर ऐसा सब कुछ किया, ये अच्छी बात है? अकेला इंसान तो चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा मतलब कलेक्टर भी क्यों ना हो, वो भी डर जाता है। अच्छे अच्छे लोग डर जाते हैं, 15 लोगों के बीच में वो अकेला जीत सकता है क्या? तो उनको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई, और उस एक्ट्रेस को भी बिल्कुल शर्म नहीं आई ये सब करते हुए। उसको पैसे मिले इसलिए उसने दूसरे इंसान की इज्जत के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, और वही 15 लोग इसके साथ गलत कर देंगे जब क्या करेगी? वही 15 लोग आज तो इससे अपना काम निकलवा रहे हैं, कल को इसी के साथ गलत करके मार देंगे, तब क्या करेंगे? कौन आएगा इसके सपोर्ट में? अभी इसका नाम एक्सप्लोर हो जाए या फिर उसका नाम बाहर आ जाए, तब क्या होगा, क्या होगा उसका फ्यूचर? वो आगे बढ़ सकेगी? बिल्कुल नहीं। महेश पांडे एक अच्छा इंसान है, था और हमेशा रहेगा, उसकी नीयत साफ है, इसीलिए इतने लोग उसके सपोर्ट में खड़े हैं। मैं 7 साल से उसकी दोस्त हूँ और मुझे पता है, मैं मिली नहीं हूँ बंदे ने, लेकिन हमेशा मेरा सपोर्ट किया है, इमोशनली फाइनेंशियली किसी भी तरीके से देख लो। जिस वक्त मेरी फैमिली भी मेरे साथ नहीं थी, कोई मेरे साथ नहीं था, वो बंदा मुझे हमेशा सपोर्ट करता था। ज़रूरी नहीं है कि हमें इंसान सामने आकर ही सपोर्ट करे, इमोशनली भी कोई हमें सपोर्ट करे तो हमें सुकून मिलता है। आज अगर उसके साथ इतना गलत हुआ है, कोई उसके सपोर्ट में नहीं आएगा, कोई भी इंसान है अकेला पड़ जाएगा, तो एक ही रास्ता अपनाएगा, सुसाइड।
जो आजकल सब करते हैं। मेरा दोस्त बहुत अच्छा था, है और हमेशा रहेगा। वो कभी गलत नहीं था। जिन्होंने गलत किया है पैसों के लालच में, जिस भी हीरोइन ने, उसके तो खुद के साथ गलत होगा, देख लेना। जो किसी के साथ गलत करता है उसके साथ हमेशा गलत होता है। आज वो गलत करके खुश है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसकी इमेज पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। वो इंसान जिनकी नज़रों में अच्छा था ना, और है और हमेशा रहेगा, कोई कितना भी उसको नीचा गिरा लो। वो थोड़ा सा क्या फेमस हुआ, लोगों ने उसके साथ गलत करना। और मैं जहाँ तक उसे भी यही बोलना चाहूँगी कि किसी के सपोर्ट में कुछ मत बोलो। तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है कि तुम आगे बढ़ सकते हो अपनी मेहनत से, ना खेसारी लाल यादव तुम्हें सपोर्ट करने वाला है, ना पवन सिंह, ना कोई अदर पर्सन, ना कोई तुम्हें खाना देने वाला है। अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हारी फैमिली को बस दिलासा देने भी नहीं आएंगे, और आएंगे तो 1-2 लाख रुपए तुम्हारे घर वालों के हाथ में थमा जाएंगे, बस तुम्हें लौटा नहीं सकते। तो इनका सपोर्ट करना बंद करो, क्योंकि देखे बहुत ज़्यादा जो बड़े बड़े नेता वगैरह है ना, वो भी मतलब हम जैसी आम जनता का सपोर्ट है उनको, तभी वो आगे बढ़ रहे हैं। जिस दिन हमारा सपोर्ट ख़त्म हो जाएगा ना, वो कोई आगे नहीं बढ़ेगा और गलत कहीं नहीं होगा। हम जैसे लोग ऐसे नेताओं के लिए, ऐसे फिल्म एक्टर्स के लिए अपनी जान दे देते हैं, क्यों? हमारी जान इतनी मतलब कोई कीमत नहीं हमारी जान की, क्यों दे किसी के लिए? ये जो पवन सिंह के सपोर्ट में बैठे हैं, इनको क्या लगता है वो इनको मतलब शील्ड पकड़ाएंगे, मेडल देंगे कि तुमने बहुत अच्छा किया महेश पांडे के साथ ऐसा करके? एक बात बताऊं, महेश पांडे आप अच्छे से सुन लो, मेरे फ्रेंड हो, अच्छे से बता देती हूँ मैं, किसी का सपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। कल को कुछ हो जाएगा तो तुम्हारी फैमिली के लिए कोई खड़ा नहीं होगा, समझे? और ये जो टुच्चे बुच्चे इनके चमचे हैं ना, ये जो बन रहे हैं हीरो, 15-15 लड़कों को लग के तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं, इनके सपोर्ट में भी कोई खड़ा नहीं होगा। जिस दिन इनको कोई मारेगा ना, उस दिन पवन सिंह भी खड़ा नहीं होगा, क्योंकि उनको नाम, इज्जत, पैसा सब मिल रहा है, उनको ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों की। क्यों तुम अपनी लाइफ को मतलब इनके लिए ख़राब कर रहे हो? अपनी मेहनत से आगे बढ़ो। और तुम मुझे समझाते थे कि तुम बहुत सीधी हो, तुम लोगों की बातों में आ जाती हो, फिर तुम क्यों ऐसे फंस गए? ये एक्ट्रेस होगी, एक्ट्रेस होगी तो वो भगवान थोड़ी ना है, उसने बुलाया था, थोड़ा दिमाग लगाते। उसने जो साजिश रची थी, एक बात बताऊं, कोई भी लड़की हो, मैं भी बुलाऊंगी ना महेश पांडे को, या फिर अदर किसी लड़के को, तो तभी ऐसी चीज़ें लेके आएगा जब मैं खुद उसको बोलूंगी कि मैं आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहती हूँ। इतनी हिम्मत किस लड़के में नहीं है, शर्म करो थोड़ी सी। इसी दुनिया में रहते हो ना, मरना सभी को है, मिट्टी में सभी को मिलना है, क्यों अपनी इमेज गिरा रहे हो? क्यों ऐसी गंदी गंदी हरकतें कर रहे हो? लड़कियों को तो छोड़ो, लेकिन लड़कों को भी छोड़ा, अब तो लड़कों के साथ भी गलत कर रहे हो। यार शर्म करो थोड़ी, गाली निकलती है तुम जैसे लोगों के लिए। वो गरीब परिवार का लड़का आज अच्छा कमाने लग गया, अच्छा उसका नाम हो गया, तो तुम्हारे बिल्कुल आग लग रही है, मिर्ची लग रही है। तुम मेहनत करो ना, उस इंसान को नीचे गिराना चाहते हो, तुम चाहते हो कि वो मर जाए, सुसाइड कर ले सुशांत सिंह की तरह, तो ऐसा वो नहीं करेगा। मैं जानती हूँ मेरे दोस्त को, ठीक है, तुम लाखों वीडियो बनाओ और वायरल करो, कुछ नहीं होगा। एक कपड़े उतार के किसी की वीडियो वायरल करने से आप लोग क्या साबित कर रहे हो? क्यों? बच्चा जब पैदा होता है ना, नंगा ही पैदा होता है। अगर तुम उसकी वीडियो ऐसे भी वायरल कर दोगे ना,
तो उससे किसी को इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तुम्हारी इमेज पे इफेक्ट पड़ेगा। तुम लोग गंदी वीडियो डाल रहे हो, न्यूड वीडियोस डाल रहे हो किसी इंसान की मतलब कमजोरी का फायदा उठा के। 15-15 लोग उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हो, उसे शराब पिला रहे हो, शर्म आती है थोड़ी? साले कुत्तों, तुम में हिम्मत होती तो तुम अकेले मिलते ना, लड़की का सहारा क्यों लिया तुम लोगों ने? उस इंसान की जिंदगी खराब करने का जो सोच रखा है ना, वो मत सोचना। वो हमेशा खुश रहता है, हमेशा खुश रहेगा। तुम जैसे उसकी बातों से उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं कभी किसी के सपोर्ट में खड़ी नहीं होती, लेकिन मेरा वो दोस्त इतना अच्छा है, मैं कभी उससे मिली नहीं हूँ। 7 साल हो गए उसे, 7 साल से उसे जानती हूँ, उसकी सोच को जानती हूँ। सुधर जाओ अपनी हरकतों से, क्यों किसी निर्दोष के साथ ऐसा गलत काम कर रहे हो? वो जिस हीरोइन ने ऐसा किया है, मुझे खुद को हंसी आ रही है। खुद को आगे बढ़ाने के लिए कोई इंसान इतनी गंदी गंदी हरकतें कर सकता है? सोचने की बात। यहाँ फिल्म शूटिंग थोड़ा चल रही है, किसी की रियल लाइफ का मतलब जो मतलब उसकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो तुम। वो इंसान ने विश्वास किया, तुम्हें दोस्त बनाया, उसकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो। 7 साल से वो मेरा दोस्त बनाया। 7 साल हो गए मुझे फेसबुक पे, फर्स्ट टाइम मेरा दोस्त बना था। मैं फेसबुक पे ट्रस्ट नहीं करती हूँ, फेसबुक पे फेक आईडीज पे लोग लड़कियाँ बनके भी बात करते हैं, पर वो अंदर ट्रस्टेबल लगा और अभी तक है। उसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। सुधर जाओ अपनी हरकतों से, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में, क्योंकि किसी गरीब परिवार के लड़के के साथ ऐसा गलत कर रहे हो, कल को तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं ना, तो हमारे साथ भी वैसा ही होता है। तुम पवन सिंह के सपोर्ट में, विशाल सिंह क्या नाम है ये जो भी है, इसने इतना गलत किया है, क्या मिल रहा है तुम्हें? जाना तुम्हें भी उसी भगवान के पास है, उसी जगह जाना है जहाँ सबको जाना है। मान लिया आज तुम्हारी इन हरकतों से महेश पांडे को कुछ हो जाता, वो चला जाता, कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम बच जाते क्या? तुम जैसे कुत्ते बच जाते क्या? तुमने क्यों मतलब क्यों एक ऐसे नेक दिल इंसान के साथ गलत किया? तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तुम्हारे घर में तुम्हारे भाई बहन इनके साथ कोई ऐसा करे तो? भाई बहन घर में झगड़ा होता है, अगर कोई सब किसी माँ के सपोर्ट में या बाप के सपोर्ट में बोल जाता है, तो तुम अपने भाई बहनों की वीडियो ऐसे बनाओगे 15-15-20 लोग लेके साजिश रच के? वो खेसारी लाल यादव के अच्छे फैन हैं, उनको पसंद करते हैं, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, सबकी अपनी अपनी पसंद है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप लोग ऐसा करोगे। आज तुम कर रहे हो, तुम्हारे साथ कोई और करेगा। सुधर जाओ कुत्तो, कुछ नहीं रखा इनमें, इंसान बनो और इंसानियत रखो अपने अंदर। और उस पे स्पेशली उस मैडम हीरोइन से मैं ये बोलना चाहती हूँ, जो भी है, क्यों भाई तेरी इज्जत नहीं है क्या? तेरे घर में बाप भाई नहीं है, माँ बहन नहीं है, तुझे किसी की शर्म नहीं है? तूने चंद पैसों के लिए एक इंसान की इज्जत के साथ खेला है? कोई दूसरा चंद पैसों के लिए तुझे इस्तेमाल करके छोड़ेगा, तब कहाँ जाएगी, किसका सपोर्ट लेगी? कोई सपोर्ट करने वाला नहीं आएगा, पवन सिंह नहीं आएगा, ना खेसारी लाल यादव आएगा, ना कोई और आएगा। कोई एक्ट्रेस, कोई हीरोइन किसी का सपोर्ट नहीं करती है, कोई एक्टर किसी का सपोर्ट नहीं करता, कोई नेता, प्रशासन, कोई किसी का सपोर्ट नहीं करती है। समझ गए इस बात को? और मेरा दोस्त हमेशा से बहुत अच्छा था, मैं यही बात कहना चाहती हूँ, हमेशा से बहुत अच्छा था, है और हमेशा रहेगा। महेश पांडे बहुत अच्छा इंसान है, इस बात को मैं जानती हूँ।
7 साल बहुत बड़ी बात होती है। 7 साल, सात मतलब 7 दिन तुम्हारी दोस्ती को नहीं हो और तुम्हारे साथ वो फिजिकल होने आ जाएगा। इतना बेवकूफ़ इंसान है वो। तुम ही मिली हो उसको, तुम ही उनकी परी हो इसमें पूरी दुनिया में। वो लड़कियाँ मर गई है, इतनी फ्रेंड्स है उसकी, उन फ्रेंड्सों में मैं भी हूँ। कल्याणी सिंह जी इतनी अच्छी हीरोइन है, इतनी अच्छी लड़की है उनकी, इतनी मतलब उनकी सोच अच्छी है, वो उनके साथ दोस्ती क्यों करती? वो भी मिलने गई है एक दो बार, क्या उनके साथ भी गलत किया है उसने? नहीं किया ना। अपनी सोच सुधारो। सोच जब सामने वाला इंसान गलत होता है ना, तब सामने दूसरा इंसान गलत करने की सोचता है। मान लिया अगर महेश पांडे से ये गलती हुई भी है, तो तुम कौन सी दूध की धुली हो तुम बता दो मुझे। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ये हरकतों से बाज आ जाओ, कुछ नहीं रखा इनमें, और किसी इंसान को ऐसे परेशान करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मर के सबको मिट्टी में ही मिलना है। करोड़पति भी इसी मिट्टी में मिलेगा और गरीब भी इसी मिट्टी में मिलेगा। और ना तो ये महल मकान, ना ये खेसारी लाल यादव या पवन सिंह, कोई शमशान घाट में तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला ऊपर। शर्म कर लो सारे के सारे, ये शर्मो।